एक पार्ट उसका टू है, यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फाइव टाइप्स डिस्कस की जा रही है, जिसमें से पार्ट वन में यूज कर आपको डिस्कस कर रही हूँ। हमें इसका है टॉपिक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो अगर नजर आते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो कि बुक की एग्जाम्पल है, आपके पास फाइव की जो एक्सपोनेंट है वन प्लस एक्स है प्लस फाइव की फिर अगेन एक्सपोनेंट वन माइनस एक्स इक्वल टू 26। ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। अब अगर हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 आर सेम है, बट 12 एंड 13 में जो एक्सपोनेंट फॉर्म है हमारे पास वो पॉजिटिव फिल्म में है, ठीक है। लेकिन एक जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट जो फॉर्म है वो माइनस में ही है, साथ बाय की शक्ल में भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करवा रही हूँ और एक 14 आपको। 12 क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है फोर मल्टीप्लाई का साइन 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 माइनस 2 की पावर x है प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अब हमें इसे थोड़ा अरेंज करना है, 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x अलग करके मल्टीप्लाई का साइन दिया, 2 की पावर 1 कर दी मैंने, क्योंकि हमने सेकंड क्लास में लॉस पढ़े थे कि अगर एक बेस की 2 पावर है उसको हम सेपरेट करके मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने वो भी लॉ यूज किया, माइनस एस भी सब किया, 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो 2 था ये मैंने जिसकी पावर 1 थी हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 की पावर एक्स और स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया, माइनस 9 माइनस मल्टीप्लाई 2 की पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारी शेप दिख गई है, मजीद इसको हमने क्या किया है 4 टू द 8 कर दिया और ये हमारे पास एज इट इज आ गई, ये टर्म भी एज इट इज आ गई। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, रिपोर्ट 2 की पावर x इज इक्वल टू y और इसको साथ इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। अब इस 2 की पावर x इज इक्वल टू y को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है। इक्वेशन नंबर 1 पे मैंने दोबारा लिखा जहाँ पे 2 की पावर x है वहाँ मैंने y लिखा, अब इसके बाहर भी स्केयर कर 12 पर स्केयर भी आता है, माइनस 9 इज इट इज रहा कि 2 की पावर x का सिंगल इसलिए y के साथ सिंगल ही आया है, यहाँ y स्केयर क्यों आया है क्योंकि बाहर भी स्केयर रहा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गई, यानी हमारे पास शेप आ गई 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ y पुट कर दिया और यहाँ y पुट किया बट स्क्वायर पर तो स्क्वायर आ गया। यहाँ हम देखते हैं इसकी प्रोडक्ट और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या चाहिए। प्रोडक्ट में हमारे पास चाहिए फैक्टराइजेशन करने के लिए 8y स्क्वायर और सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हमारे पास 9y आना चाहिए। तो मैंने फैक्टर लिए 8y मल्टीप्लाई बाय y 8y स्क्वायर आ गया, फैक्टर करने से प्रोडक्ट आ गया माइनस 8y माइनस वाई को अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस 9y मिड वैल्यू आ गई। अब हमें इसके फैक्टर बना दिए 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हो जाती है, 2 टर्म्स में से हमें कॉमन लेना होता है, यहाँ से हमने 8y कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास 1y बचा और माइनस 1 क्योंकि 8y बाहर आ चुका है माइनस 1 और ये ऐसे किसी रकम हमारे पास बनी बनाई थी y माइनस इस माइनस इस प्लस को माइनस कर दिया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 8y माइनस 1 हो गया, ये और ये 2 टाइम्स इसको 1 टाइम लिखकर इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, इस तरह इस इक्वेशन से y इज इक्वल टू 1 ओवर 8 आ गया हमारे पास y की कीमत और y इज इक्वल टू 1 आ गई। अब हमने इन दोनों y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, इसमें हमने यहाँ पे लिखा तो बहुत वैल्यू जो y इक्वेशन नंबर 2 की है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास 2 की पावर x इज इक्वल टू y एंड 2 की पावर x इज इक्वल टू y। अब एक y हमारे पास 1 ओवर 8 आया था और एक 1 आया था, तो हमने एक y को हमने 1 ओवर 8 पुट करके लिखा, लिखने के बाद हमें 8 को यहाँ फैक्टर किया तो सिर्फ 3 टाइम्स 2 पे हो गया, तो हमने इसकी 3 पार्ट की इतनी बार 3 को भी मैंने बाहर निकाल लिया। अब बेसिस आपके पास सेम है वो कैंसिल हो गई तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू हमने ली 2 की पावर x इक्वल टू y, y वहाँ पर हमारे पास 1 आया था, 1 लिखा और 2 की पावर x। अब 1 हमें पता है हमने सेकेंड में लॉस पड़े थे कि ए की पावर नॉट जो होती है 1 के बराबर होती है, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखी, इसकी पावर नॉट कर दी जो कि हमारे पास 1 के ही बराबर है, चेंज नहीं हुआ हम उसको स्टेटमेंट में ले सकते। अब बेसिस हमारे पास सेम हो गए, दूसरे को कैंसिल कर दिया तो एक्स पावर 0 हो गई। इस तरह हमारे पास 2 सोल्यूशन सेट निकल आए, इसकी वैल्यूज के एक माइनस 3 और 0 हमें 10 एस एस यानी सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 3 और 0 ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करना है क्योंकि ये थोड़े डिफरेंट टाइप का था हल्का सा, तो मैंने कहा आपको
नंबर वन में बुक करना है हमने, क्वेश्चन नंबर वन है, इसलिए दोबारा मैंने यहाँ पे राइट की और जहाँ जहाँ टू की पावर एक्स था वहाँ वाई लिखा और 64 फिर वाई और इसकी पावर माइनस वन भी थी, माइनस वन इसके ऊपर एस प्लस जब आई माइनस 20 इक्वल टू जीरो। अब हमने ये भी सेकेंड क्लास में लॉ पढ़ा था, ए की पावर माइनस वन इक्वल टू वन ओवर ए करेंगे तो माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वाई को वन ओवर वाई को लिख दिया तो ये माइनस वन जो उसकी पावर थी वो पॉजिटिव हो गई। अब चूंकि वाई डिवाइजर में आ गई इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ईच टर्म को वाई के साथ, मल्टीप्लाई किया है कि वाई मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 64 ओवर वाई माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू जीरो। बच्चों अंडरस्टैंड हो रहा है? अब वाई स्क्वायर प्लस ये वाई वाई से कट गया 64 माइनस 20 वाई इक्वल टू जीरो। अब मैंने इसको रीअरेंज किया है ताकि इसको क्वाड्रेटिक शेप कंप्लीट किया जाए और करने के बाद इसको यहाँ लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस 25 प्लस 64। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें प्रोडक्ट में चाहिए 64 वाई स्क्वायर और सबट्रैक्शन और एडिशन में हमें चाहिए माइनस 20 वाई, माइनस 20 वाई हमें चाहिए मिड वैल्यू और प्रोडक्ट में हमें चाहिए यहाँ पर 64 वाई स्क्वायर। अब मैंने पेयरिंग की 16 वाई मल्टीप्लाई बाय 4 वाई इक्वल टू 64 वाई स्क्वायर और माइनस 16 वाई माइनस 4 वाई को अगर हम ऐड करते तो माइनस 20 मिड वैल्यू बन जाती है। अब आपने इसकी फैक्टर बना ली वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई माइनस वाई प्लस 64 इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे फिर हमारे पास टू टर्म्स हो जाती है, इसको हमने कॉमन करना होता है। यहाँ से हमने वाई कॉमन ले लिया, वाई कॉमन लिया तो वाई इंटू वाई माइनस 16 इधर से माइनस 4 कॉमन लिया तो वाई माइनस प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। अब वाई माइनस 4 और वाई माइनस 16 टू टर्म्स होते हैं इज इक्वल टू जीरो हो गया हमारे पास, वाई माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, वाई माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो, y is equal to 4 हमारे पास एक वैल्यू आ गई y की और y is equal to 16 एक वैल्यू आ गई। अब हमने दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर y की दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास वो है 2 की पावर x is equal to y, 2 की पावर x is equal to y और 2 की पावर x is equal to y। अब y की जगह एक दफा हमने 4 पुट किया और 2 4 होता है इसलिए मैंने 2 की पावर 2 कर दी, वैसे सेम थी को कैंसिल हो गई x इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ y की वैल्यू 16 आई थी, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 आ गई हमारे पास यहाँ पे। अब बेसिस आपके पास सेम हो गई बच्चों स्टूडेंट, बेसिस सेम हो गई वो कैंसिल हो गई और उनकी पावर्स जो एक्सपोनेंट थे वो एक दूसरे के इक्वल आ गए तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई अननोन वेरिएबल जो कि x था और हमें इसका यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखा दस एस एस इज 2.4। अगर आप ये चीज कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखी थी आपको पूरा एक नंबर कट जाएगा, इसलिए इसको आपने मस्ट बी राइट एट द एंड ऑफ द सोल्यूशन। ओके उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा, अगर आपको कुछ ना समझ आए आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं जो आपको कन्फ्यूजन हो। ओके अल्लाह हाफिज, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरीके से ये फिंगर टिप्स पे आ जाए। ओके अल्लाह हाफिज।